छोड़ खेत के अंदर और नहाना धोना नदी में। छी 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 छी, तैयार है भैया, खुले माँ। ये सब सुनकर तो हमारी सोच भी मर गई और शौच भी। क्या मुसीबत है यार, कहाँ लाके फंसा दिया। टोटल मल खोतिया, बोलना तो चाहिए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है वो हम सबको भी अपना लेना चाहिए। काहे कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बोलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। चलो अभी सूखा कचरा बड़े डब्बे में डालते हैं, गीला कचरा छोटे डब्बे में डालते हैं। चलो बच्चा चलो हाँ, वेरी गुड। देखो भाई, अगर तुम्हारा स्वच्छता का अभियान हो गया है पूरा तो खेलने आ जाना। गरबा? अरे गरबा नहीं, कबड्डी। मैंने कबड्डी का मैदान अकेले ही पूरा तैयार कर दिया। जल्दी खटिया भाई, अरे तने खटिया भाई, कूड़ा डालने दीजिए। अरे देखिए पूरा पूरा गोबर में सन गया है पांव भाई। गोबर को छी 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 नहीं कहते, गोबर से गैस होती है। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, हम सोचे कि ओवर ईटिंग से गैस होती है। अरे वो गैस नहीं, गोबर से गैस पैदा होती है जिससे रसोई का चूल्हा जलता है, गाड़ियां चलती हैं और भी कई काम होते हैं उस गैस से। पाणे जी ना, मैं सोच रहा था कि अपन गाय भैंसों को क्यों ना ऐसी ट्रेनिंग दे कि वो सीधे जाके गोबर गैस के कुएं में पोटी करें। लोगों को कितना फायदा होगा। मैं समझ गया, मैं गोबर उठाता हूँ। देखा आपने, अगर हर इंसान अपना अपना जिम्मेदारी ऐसे उठाने लगे तो हमें किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अरे अरे हम जा रहे हैं भाई। संभल जाइए, आ रहे हैं हम। मम्मी मेरे, मम्मी। आपको कहा हम ही नजर आते रमेश जी। सरोज जी, आप क्या चाहते हैं कि हमको कोई और नजर आ जाए? अरे देखिए कहा है कि घर में तो बॉल डाल के हमको आउट कर देती है ये। इधर कबड्डी और घर पे क्रिकेट। दैया दैया अभी मैं जाती हूं। हां अभी आएगी हमारी चमेली। चल चमेली, चमेली आ जा। आ गए भाई, चल बे। मम्मी जा, थोड़ी रख माथों रे, थोड़ी रख डबरा। निकल आ तो सही भैया, एक मिनट। ओहो मैं छोड़ के आती। हो गए आउट। ताक रहते राज लक्ष्मी मैडम, अभी आप जाओ। यस यस, सावधान सावधान। कबड्डी 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 हमको ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। शाबाश शाबाश शाबाश, जीतेगा जीतेगा। अरे अभी तुम जाओ, मैं जाऊं। ओके आ जा। यस
जवान कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मैं कैसे छू सकता है यार, बीवी तुम्हारी है, मैं कैसे छूएगा। अरे पकड़, मैं इन्हें पकड़। पकड़ने का था ना यार, तुम्हारे भाई को मैं कैसे पकड़ूंगा। शेर सिंह, ये मैच कैसे भी जीतना है। यार मैं कैसे छू उनको। पकड़ना चाहिए था ना यार। क्या पकड़ना था यार, प्रजाई जी को कैसे पकड़ूं। और एक बार फिर महिला शक्ति की जीत हो गई। नहीं मजा आया ना कबड्डी खेल के। देखिए बच्चे को क्या हो गया। अरे क्या हो गया बच्चे को, क्या हुआ? खून निकल रहा है। खून क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई बात नहीं, कोई बात, मट्टी लगा देंगे ठीक हो जाएगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं गोविंद जी? रुकिए रमेश जी, अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स है ना जी, ले आइए। अब ही लाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हम गांव वाले मिट्टी लगा देते हैं, मिट्टी लगा देंगे ठीक हो जाएगी। ये देखो। अरे भाई गोविंद जी, ऐसे तो बच्ची को इन्फेक्शन हो जाएगा। पकड़ी पकड़ी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, मैंने इसकी मट्टी लगा दी है, ठीक हो जाएगी। कैसे जरूरत नहीं है, क्या बात करते हैं आप। अरे ये बच्ची तो बेहोश हो गई है। गोविंद जी, कुमकुम की तबीयत खराब होती जा रही है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ पांडे जी सही कह रहे हैं, हमको लगता है कि कुमकुम बिटिया को कोई जहरीला कीड़ा काट गया है, हमें फौरन अस्पताल चलना चाहिए। अरे ऐसे तो छोटे मोटे कीड़े काटते ही रहते हैं। सुनिए जी, आप झुनझुन ओझा को बुला कर लाइए। अरे ये झुनझुन ओझा कौन है कट पीस काट के? अरे साहब जी, झुनझुन ओझा बहुत बड़ा ओझा है, वो बड़े से बड़ा जहर जो है ना निकाल देता है। मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ, आप रुकिए, मैं जाता हूँ अभी। अरे लेकिन ओहो, ये तो गया, एक नंबर का बेवकूफ है। मैं तो कहता हूँ हम लोगों को इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ सही है। अब ड्राइवर, अरे ड्राइवर कहाँ है? अयो रामा, वो तो बस रिपेयर करने चला गया है। चलो कोई बात नहीं। गंगा, तू कैसी माँ है? तुम्हारी बच्ची इस हालत में पड़ी है और तुम्हें उसका जरा भी फिक्र नहीं है। आप यूं ही परेशान हो रही है, कुमकुम को कुछ नहीं होगा, झुनझुन बाबा आएंगे और सब ठीक कर देंगे। अरे क्या ठीक कर देंगे गंगा बहन है? देखो साधु बाबा में मैं भी विश्वास करती हूँ, लेकिन विज्ञान के ज्ञान को भी हमको मानना चाहिए कि नहीं। What rubbish? गंगा जी, आप कुमकुम को अभी हॉस्पिटल लेकर जाइए, एग्जाम से ये सब नहीं देखा जा रहा है। हाँ। गंगा जी, आप प्लीज मेरे फ्रेंड कुमकुम को हॉस्पिटल ले जाइए ना, मुझे उसके साथ खेलना। ठीक है, झुनझुन बाबा बोलेंगे तो हम जरूर लेके जाएंगे हॉस्पिटल। सांप काटे बिच्छू काटे, झुनझुन बाबा के सेना पाए चाटे। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। ब्लैक कोबरा, चटपटा जेबरा, चटपटे जेबरा, बाहर निकल, निकल। कौन हूँ मैं? अरे हमको क्या पता, हम तो रमेश जी हैं। मैं देवी माँ का दूत हूँ, सबसे बड़ा भूत हूँ मैं। भूत 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 है, सबसे बड़ा भूत है। मैं कहता हूँ यार, ये इतना इतना डोल क्यों रहा है? इसको कोई रस्सी से बांधो, मुझे डर लगता है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि इसको वाइब्रेशन बोर्ड से बाहर निकालो कोई। मैं तो कहती हूँ इसको साइलेंट मोड पे डाल दे। लुक हु इज दिस कार्टून। धन्यवाद प्रभु।
मैं एक मंत्र मारूं, शेष नाग का जहर उतारूं। बोल कन्या बोल। क्या बोलूं? तू नहीं कन्या। अरे पहले इस झुंझुने का भूत उतारो यार। धन्यो धन्यो गोविंद धन्यो। तुम्हारी बच्चे की भक्ति से देवी माँ प्रसन्न हो गई हैं, उन्हें पसंद आ गई है। अब देवी माँ स्वर्ग में इसको बुला रही हैं। ये मृत्यु के नजदीक आ रही है, समीप आ रही है, और इसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही है। अरे 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 क्या बकवास कर रहे हो झंडू? मूर्ख, बकवास बकवास नहीं कहते, ये मैं नहीं, ये देवी माँ बोल रही हैं। आप लोग भी जहर उतारते हो क्या झाड़ुओं से? हम तीन देवियां आए लिए तेरे को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। झुनझुन वाला बाबा, मेरे को ना देवी ने आदेश दिया है कि कुमकुम का स्वर्ग में ध्यान कौन रखेगा, इसलिए तो मेरे को ना स्वर्ग में जाने का है। इसलिए देवी ने बोला झुनझुन को भी स्वर्ग में लेकर आओ। झुनझुन आ जा, मरने के लिए तैयार हो जा। अबे सब लोग इसको इतना मारो, इन जैसे लोगों की वजह से ना अंधविश्वास बढ़ रहा है। मारो इसको, मारो, अरे को मारो, 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 अच्छे से मारो, 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 अंधविश्वास, मारो, 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 मारो। तुम लोग इन जैसे लोगों पर विश्वास करते हो और ये उसका फायदा उठाते। छोड़ो अभी पांडे जी, अभी हमें ना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी से बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। प्लीज जल्दी कीजिए पांडे जी। जी बस तो ठीक हो गया। अरे वाह, गोविंद जी आप कुमकुम को लेकर फौरन हमारी बस से हॉस्पिटल चले जाइए। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी जरा ठीक से चलाना, जितनी जल्दी हो हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। ठीक? आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आज बस को पायलट की तरह चलाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इस बच्ची को बचा के रहूंगा। चलिए मेरे साथ। देखो ऐसा ही होता है, इसलिए अंधविश्वास पे कभी विश्वास नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो गया ना, अभी बच्ची ठीक हो जाएगी, देखना। है तो मजा इधर एंजॉय किया। आइए आइए शहरी बाबू लोगो, आइए। कैसा लगा आप लोगों को आमशा गांव? बहुत सुंदर है सरपंच जी, ऐसा लगता है कि जैसे हम बच्चों की तरह कुदरत की गोद में खेल रहे हैं। मेरे तो गालों की लाली देखिए, यहाँ आने के बाद और बढ़ गई है। अरे वो तो बढ़ेगी, क्योंकि आमचा गांव की हवा, यहाँ का पानी कुछ अनोखा ही है। देखिए एकदम राइट बात कह रहे हैं आप, हवा पानी बहुत ही अच्छा है, पर काहे के बिग प्रॉब्लम भी है, शौचालय नहीं है। आप उसे प्रॉब्लम बता रहे हैं? अरे भाई सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे झाड़ी के पीछे बैठने का मजा ही कुछ और है। पर माफ कीजिएगा सरपंच जी, हम सुने हैं कि पूरे गांव में एक आप ही के घर में शौचालय है। वो ही बता रहा हूँ कि मेरे घर में शौचालय है, लेकिन फिर भी मैं शौच के लिए खेतों में ही जाता हूँ। अरे मेरे को तो ये जो सरपंच है ना बहुत खतरनाक लगता है। छाड़ दे यार, हमारे सियाणे कह गए हैं चपके होए ना सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। Happy Home!
ही बता रहा हूँ कि मेरे घर में शौचालय है, लेकिन फिर भी मैं शौच के लिए खेतों में ही जाता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है सरपंच जी, लेकिन अगर थोड़ी सी सफाई भी हो तो। अरे आप समझे नहीं, मैं सफाई की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, आप शहरी लोग शहर में कबूतर खाने जैसे घरों में रहते हैं और उसमें चिड़िया के घोंसले के बराबर शौचालय होता है, और वो भी एक। अभी आप दैनिक कार्य से निपटे भी नहीं कि कोई बाहर से दरवाजा ठोक देता है। कहने का मतलब ये है कि पेट की सफाई पूरी तरह से तो होती ही नहीं। और हमारे यहाँ गांव में वाह 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 वाह, अरे कहीं बैठो, किसी जगह बैठो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्यों संपत? अरे बाबा तुम ये शौचालय की बात छोड़ो, अभी तुम्हारे गांव में इतनी अच्छी नदी बहती है, अरे पूरा गांव वाले उस नदी को गंदा कर रहे हैं। देखिए बाबू लोगो, हमारा गांव तमाकू के डिबिया के बराबर तो छोटा है और उसमें रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं। हर एक के घर में पानी का नल तो हो नहीं सकता, और जिनके घर में नल है उन्हें पानी का टैक्स नहीं पड़ता, इसलिए बेचारे नहाने के लिए कपड़ा धोने के लिए नदी में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। अरे देखिए, लेकिन ऐसे तो नदी डर्टी हो जाएगी ना, मतलब गंदी हो जाएगी ना। अरे भाई, जब सारी दुनिया के पाप धोकर भी गंगा मैया मैली नहीं हुई तो हमारी ये छोटी सी नदी भला कैसे मैली हो सकती है। अच्छा सरपंच जी, आप गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर छोटा मोटा दवाखाना क्यों नहीं खुलवा देते? देखिए बाबू लोगो, आप लोग यहाँ हमारे गांव की तारीफ करने आए हैं या सरकारी शिकायत पेटी बनकर आए हैं? ना जी ना, हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि इस गांव में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं, कमियां हैं, वो अगर दूर हो जाए तो इस गांव को तो चार चांद लग जाएंगे। देखिए, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मेरे गांव में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोग गोविंद के मेहमान हैं, इसलिए मेहमान बनकर रहिए, घूमिए फिरिए, यहाँ की स्वच्छ हवा का आनंद लीजिए और अपने शहर वापस लौट जाइए। मेरे गांव की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? जयराम जी की। क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई के बारे में सोचो तो उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, अच्छा कैसे लगेगा? अरे अगर गांव तरक्की करेगा तो वो सरपंच के हाथ से चेयर, वो सत्ता निकल जाएगा ना। अरे ये 100% का बात बोला है राजलक्ष्मी बहन ने, मेरे को भी लगता है ये सरपंच ना गांव की तरक्की होने ही नहीं देना चाहता कट पीस काट के। अरे मेरे को तो ऐसा होता है कि इधर 3-4 दिन रुक जाओ लेकिन इधर शौचालय ही नहीं है ना। अरे देखो तो सही, इधर कितनी शांति है, सुख है, सुकून है। और अपने शहर में भागा दौड़ आवाज 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 आवाज, और ऊपर से वो गाड़ी मोटर का पी पो पी पो पी पो पी पो। अरे मैडम जी, दूसरी बार आएंगे ना तो मेरे गांव चलेंगे मस्त। नहीं 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 चमेली भाई, दरअसल भगवान जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक ईश्वरीय संकेत होता है। अब देखो ना, इस गांव के पास आकर हमारी बस का बिगड़ जाना, हमारा इस गांव में आ जाना, रात को बिजली चला जाना, ये बातें हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। हम गांव की छोटी मोटी समस्याओं से मुंह मोड़ के कहीं नहीं जा सकते। भाई मेरे को तो ये जो सरपंच है ना बहुत खतरनाक लगता है। छाड़ दे यार, हमारे सियाणे कह गए हैं जब के होए ना सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। अड़ा पावी, इसका मतलब सरपंच को सबक सिखाने के लिए हमें कोई अनोखा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे तरकीब की क्या बात करती है, आजकल मीडिया का जमाना है बाबा,
टीवी वालों को बुलाते हैं, अरे इस गांव की डॉक्यूमेंट्री बना कर रख देते हैं कट पीस काट के। अरे वाह, मैं होपी होपी मेकअप करके आती हूँ। मैं जब मेकअप करती हूँ तुम बिना मेकअप के भी अच्छी लगती है। मैं तो कहता हूँ इस सब की कोई जरूरत नहीं है, अपने पांडे जी है ना, उनसे एक आर्टिकल लिखवा के न्यूज़पेपर्स में छपा देते हैं। अरे नहीं 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 नो शेर सिंगर ना, मीडिया की भी जरूरत नहीं है और अखबार की भी जरूरत नहीं है, आजकल फास्ट जमाना है। अरे यहाँ का एक फोटो निकालो और सोशल नेटवर्किंग पे डाल दो, देखना 5 मिनट्स में सरपंच के साथ सोया हुआ सरकार भी कैसे जाग जाएगा। मैंने भी सुना है कि यहाँ के सरपंच का है ना दिमाग थोड़ा फिरेला है, इसलिए मैंने भी एक सॉलिड आइडिया सोच के रखेला है। हाँ आ जाओ लड़कियाँ। देखो मेरी तरफ मत बढ़ो मेरी तरफ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। यहाँ के सरपंच का है ना दिमाग थोड़ा फिरेला है, इसलिए मैंने भी एक सॉलिड आइडिया सोच के रखेला है। हाँ तो बोल ना तेरा मस्त पे की अड्डिया क्या है। नहीं रे बाबा, मैं ऐसे ना सबके सामने नहीं बोलेगी, इधर सुनाई दीवार लोग को भी कान होते हैं, सबके कान में बोलेगी। लेकिन इधर दीवार किधर है, इधर तो झाड़ है। अरे होगा ना सबके कान में बोलती है। हाँ चल मेरे कान। या जाए हल्ला बोल। यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? क्या चाहिए? ये अरे ये सब क्या है? देखो ये ठीक नहीं है, मेरा आंगन साफ है। देखो मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग? आ जाओ लड़कियाँ। देखो मेरी तरफ मत बढ़ो मेरी तरफ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो सरपंच जी, हम लोग शाम को फिर से आएंगे, तब तक आप इस कचरे में से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके रखना। ठीक है। लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे शौचालय में घुसने की? क्यों? तुम्हारे शौचालय में कोई खजाना गड़ा हुआ है? तुम वहाँ जाके इत्र मूंदते हो? हाँ तो पूर्व सरपंच जी, आज से इस गांव की सारी गंदगी आप अकेले साफ करेंगे और इसके लिए आपको 500 रुपया मिलेगा। मुर्गा बनो। ऐसे मुर्गा बनते हैं? ये देशी मुर्गा है।